So, hello students. Once again, welcome to the chemistry classes. तो आज हम discuss करने जा रहे हैं कि why the Rutherford model of atom get rejected. What were the limitation in Rutherford model? So Rutherford ने एक बहुत अच्छा experiment किया, scattering experiment. उसके बाद उसके model of atom बताया और model of atom के बारे में उसने बहुत कुछ बताया. काफी अच्छा model दिया. क्या बताया था उसने? कि एटम का जो मॉडल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. वन न्यूक्लियर पार्ट जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, एंड वन इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये बताया था न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, घूम रहे. देन व्हाई दिस मॉडल गेट रिजेक्टेड? तो इसमें क्या कमी आई, लिमिटेशंस क्या है? अब लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, फर्स्ट he could not explain the stability of atom. Okay, stability. We atom stable कैसे है? बात करेंगे अभी उसके बारे में कि यहाँ पर stability का मतलब meaning क्या है, क्या बात कर रहे हैं stability के बारे में. Okay, second point, he could not explain the distribution of electrons around the nucleus. ठीक है, ये दो ड्रॉबैक उसकी बहुत बड़ी थी जिसमें ये स्टेबिलिटी की बात करें तो वो सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी. क्या बताया उसने? कि जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया. कि जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या वो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह पे प्रेजेंट है, एक ही पाथ के अंदर प्रेजेंट है? भी सारे इलेक्ट्रॉन्स इसी लाइन में, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्या वो अलग अलग है? तो वो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बता पाया कुछ भी. स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी का क्या मतलब था. ओके, तो हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की. देखिए, रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं. और हमें पता है कि प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स दीज आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ओके, तो ये भी चार्ज पार्टिकल, ऑब्वियसली इसके ऊपर देखो नेगेटिव पार्ट है, इसके ऊपर प्रोटॉन्स पे हमें पता पॉजिटिव पार्ट रहता है, तो चार्ज पार्टिकल. सो हमें फिजिक्स में आगे थ्योरी पढ़ेंगे, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ रेडिएशन. ओके, तो इस साइंटिस्ट ने इसको चैलेंज किया. क्या चैलेंज किया? कि रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग एंड बट इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज पार्टिकल. यस और नो? तो मैक्सवेल की थ्योरी क्या कहती है कि इफ एनी चार्ज पार्टिकल चेंज इट्स पोजिशन, पोजिशन, ओके, देन इट विल लूज एनर्जी. ऐसी समझ में कि मैक्सवेल की थ्योरी में क्या बताती है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा. वी आर ऑल्सो द चार्ज पार्टिकल, लिविंग बींग्स. क्या हम लोग भी तो चार्ज पार्टिकल ना? अगर हम किसी बच्चे को बोला जाए कि चल बेटा हम इस किसी ग्राउंड के अंदर बहुत सारे सर्कल राउंड लगाने हैं, तो कितने राउंड लगा पाएंगे हम? 10, 20, 50 मैक्सिमम. उसके बाद एक बार तो थकेंगे. दैट मीन्स क्यों? बिकॉज वी आर द चार्ज पार्टिकल. तो हमारे अंदर की जो एनर्जी है वो टाइम के साथ खत्म हो जाएगी. सो मैक्सवेल की थ्योरी क्या कहती है कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल रोटेट करता है तो वो कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी लूज करेगा. ओके, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज नजर आ रहा है. सो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या था, मैक्सवेल ने और क्या चीज बताई कि इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज पार्टिकल. यस, सो they should
also lose the energy. तो उनको भी अपनी एनर्जी लूज करनी चाहिए. एंड फाइनली देयर पाथ ऑफ रोटेशन और वी कैन से स्पीड विल डिक्रीज. कि जब वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे, मीन्स जब कोई इंसान दौड़ता है तो ऐसा तो नहीं है कंटिन्यू एक स्पीड के साथ दौड़ता रहेगा, धीरे धीरे जैसे जैसे एनर्जी कम हो जाएगी सांस चढ़ते जाएंगे थक जाएगा. यस, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी अगर चार्ज पार्टिकल हैं तो उनकी एनर्जी भी कम हो जाएगी टाइम के साथ और वो रिवॉल्व करने की उनकी स्पीड डाउन आ जाएगी. यस, तो अगर न्यूक्लियस है हमारा, प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके चारों तरफ घूम रहे हैं धीरे धीरे इनका रिवॉल्विंग पाथ कम हो जाएगा. एंड दे फाइनली फॉल इन द न्यूक्लियस. ठीक है, तो मैक्सवेल ने क्वेश्चन पुट किया रदरफोर्ड के ऊपर कि अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है तो धीरे धीरे उनकी स्पीड कम हो जानी चाहिए, उनकी पाथ रास्ता कम हो जाना चाहिए रोटेशन का और फाइनली उनको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को. यस और नो? ओके, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, एक्चुअली इट डजंट हैपन. ओके, वास्तव में ऐसा नहीं होता कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाए. तो रदरफोर्ड से क्वेश्चन पूछा गया और रदरफोर्ड इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों नहीं होता फिर. सो दैट मीन ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी. अंडरस्टैंड? आई होप ड्रॉबैक लिमिटेशन अच्छे से समझ में आई होगी. ओके, सो नेक्स्ट टाइम वी विल डू द नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम. सो टिल देन अपनी पढ़ाई कीजिए रेगुलर एंड बी एंजॉय. Thank you.